फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं यहाँ आगे का टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का ही टॉपिक है ये। तो डी एंड एफ ब्लॉक में हम देखेंगे कि हमारे पास के हाउ टू प्रिपेयर द पोटाशियम, हाउ टू प्रिपेयर द पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट की कैसे प्रेपरेशन करेंगे वो आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेप नंबर वन में देखो कि हमारे पास डाइक्रोमेट है जो होते हैं, उनको जनरली प्रिपेयर करने के लिए हम क्रोमेट और यूज़ करते हैं। क्रोमाइट और जो होता है FeCr2O4 होता है, ठीक है। तो ये सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट को जब फ्री एयर या फ्री एक्सेस ऑफ एयर में हम इसको हीट करेंगे तो रिएक्शन विल अकर, ठीक है। तो रिएक्शन विल अकर विद द सोडियम कार्बोनेट, तो हमारे पास Na2CrO4 बनेगा ये पहले स्टेप में, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट Fe2O3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया, Na2CrO4 ये बनाया हमने पहले स्टेप में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखें नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखो क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना था उस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो जो येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बना था हमारे पास, वो येलो सॉल्यूशन था, ठीक है। तो उसको हमने फिल्टर करके एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है, तो जो के कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट में, ठीक है। जो कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट में, ये ऑरेंज कलर का हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम डाइक्रोमेट में। तो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 को KCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वी विल गेट आवर पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट Ca(CR2O7) हमें मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। सो नेक्स्ट हम देखें हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमें बहुत ज़रूरी याद रखनी है। वो कौन सी है कि हम ये है क्रोमेटाइन Cr(O4)2-, इस क्रोमेटाइन को हम डाइक्रोमेटाइन इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू यूज़ द एसिड। इस एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारे पास एसिड है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्रोमेटाइन कैन बी कन्वर्टेड इंटू द डाइक्रोमेटाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स का मतलब है अगर डाइक्रोमेट आयन को अगर डाइक्रोमेट आयन को हम डालें बेसिक मीडियम में, दिस इज़ अ डाइक्रोमेट आयन, और इसको बेसिक मीडियम में डालें तो दोबारा हमें क्रोमेट आयन मिल जाएगा, Cr(O4)2- हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर उसको एसिडिक क्रोमेट आयन को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो हमें डाइक्रोमेट आयन बन मिलेगा, अगर डाइक्रोमेट आयन को बेसिक मीडियम में डालें तो हमारे पास क्रोमेट आयन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो क्रोमेटाइन है इसकी स्ट्रक्चर तो हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, और डाइक्रोमेट की दो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर दे तो हमारे पास एक नई स्ट्रक्चर बन जाएगी। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन एंड डाइक्रोमेटाइन। सो ये मेरे पास क्रोमियम है सेंटर में, क्रोमियम के साथ चार ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है, इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म, और ये 2- ऊपर चार्ज है, इसको बहुत याद रखना है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन। सो डाइक्रोमेटाइन में क्या है कि ये भी क्रोमियम है, ये भी क्रोमियम है, ठीक है, और सेंटर दो क्रोमियम आपस में ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं, और उनके साथ दो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स जो आपस में जुड़ जाएंगी, तो ऐसे ही करके यहाँ 2- भी आ जाएगा, डाइक्रोमेटाइन का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सोडियम एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सो इसे यूज़ किया जाता है इन द एसिडिक मीडियम, कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो जो है डाइक्रोमेटाइन कैन बी कन्वर्टेड इंटू द Cr3+। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पॉजिटिव 1.33 वोल्ट है। ये पॉजिटिव 1.33 वोल्ट इस चीज़ को शो करता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग Cr2O7 2- जो है
कैन बी यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, कोई भी डाइक्रोमेट होगा, चाहे पोटाशियम डाइक्रोमेट हो, चाहे सोडियम डाइक्रोमेट हो, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ईवी वैल्यू और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 1.33 वोल्ट होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग का बिहेवियर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिडिक मीडियम में हाउ इट बिहेव एज द, सो ये आयोडाइड एन आई नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करता है, आई टू में, आई नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करता है, आई टू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एच टू एस को किस में कन्वर्ट करता है, ये सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से SN2 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करता है, SN4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी रिएक्शन होगी हमारे पास तो ये वाली कन्वर्शंस ये करेगा। सो डाइक्रोमेट की बाकी की जो रिएक्शंस है वो सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हर एक रिएक्शन में आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब है इन द एसिडिक मीडियम, एच पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी। और डाइक्रोमेट सी आर ओ सेवन टू नेगेटिव है जो हमारे पास गट कन्वर्टेड इन टू द सी आर थ्री पॉजिटिव, ये सभी रिएक्शन में होगी इसके। ठीक है, तो जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर वाली रिएक्शन है उसमें सभी ये वाली चीज़ें कॉमन रहेगी, ये भी कॉमन रहेगी, ये भी कॉमन रहेगी, ये भी कॉमन रहेगा। बस चेंज कहाँ आएगी, ये देखो यहाँ आयरन मैंने यूज़ किया तो यहाँ Fe3 पॉजिटिव, इसकी जगह अगर SN2 पॉजिटिव होता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाना था, SN4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इसका प्रॉपर्टीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखिए कि कैसे इसके हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।